और मेरे चैनल का नाम आप सभी को बताए क्या है हुमांशु गुप्ता सो प्लीज गाई सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है आप सभी को पता है ठीक है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही मेरी वीडियो देखो आगे ठीक है बोल मत जाना सब्सक्राइब कर देना पर ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर वन शुरू करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर वन हमें कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन यानी कि हमें जो इक्वेशन देर है उनका रूट्स निकालो अभी तक हमने एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन में क्या किया था हमने उसमें इक्वेशंस बनाई थी सिर्फ सॉल्व नहीं किया था सिर्फ इक्वेशंस बनाई थी और अब क्या करना है फोर पॉइंट टू में हमें इक्वेशंस बनाकर सॉल्व भी करनी है ठीक है समझ आ गई होगी इक्वेशंस बनाकर सॉल्व भी करनी है ठीक है तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम इसे और क्वेश्चन नंबर वन लिख लेती हूँ मैं फर्स्ट पार्ट लिख लेती हूँ इसका और क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक टेन इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब देखो सबसे पहले आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखनी होगी इस वीडियो का जिसमें मैं आपको दूंगी मिडल टर्म्स स्प्लिटिंग की वीडियो का लिंक ठीक है मैंने अपने चैनल पर मिडल टर्म्स स्प्लिटिंग की वीडियो बना रखी है सो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस ऑल्सो और यू कैन डू और यू कैन ऑल्सो गो गो सॉरी सॉरी यू कैन ऑल्सो गो विद द दिस विद दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट जो कि लिख लिया है मैंने अब इसे सॉल्व करेंगे मिडल टर्म ट्रांसलेटिंग से सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को दोनों को इंटू करना होगा तो एक्सक्वायर की वैल्यू वन हमने ली है वन ही होती है तो वन इंटू टेन कर देंगे वन इंटू टेन कर देंगे तो हमें आपको टेन ही मिल जाएगा तो टेन को फैक्टराइज कर देंगे हम ठीक है टेन को फैक्टराइज कर दिए तो टू फाइव फाइव और वन ठीक है अब हमें ऐसे नंबर चाहिए कि जो प्लस माइनस करके थ्री एक्स आ जाए और इंटू करके टेन आ जाए ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस टू सॉरी प्लस टू माइनस फाइव कर सकते हैं क्या आ जाएगा माइनस थ्री आ जाएगा क्या कर सकते हैं हम मैं बोल रही हूँ कि भाई हम प्लस फाइव और माइनस टू कर दें या इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं इसको आगे लिख देंगे तो ये भी आ जाएगा ठीक है माइनस टू जैसे माइनस टू प्लस फाइव करके लिख सकते हैं ठीक है इससे भी आ जाएगा हमारा वैल्यू तो चलो इसे शुरू करते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस फाइव प्लस टू ठीक है इससे भी सॉल्व कर सकते हो इससे या इससे दोनों से किसी से भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वा ठीक है माइनस फाइव प्लस टू अब यहां पर कमी किसकी आ गई एक्स की क्योंकि एक्स है हमारा तो थ्री एक्स को छोड़ देंगे क्योंकि हम इसे प्लस माइनस करेंगे कर तो थ्री एक्स आ जाएगा ना हमारे पास बस फिर तो हम थ्री एक्स को नहीं लिखेंगे अब ठीक है तो आगे करते हैं माइनस टेन हो गया अभी से आप पेयर में ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन ले लिया पेयर में भाई मैंने अब ठीक है पेयर में ले लिया आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स एक्स माइनस फाइव ठीक है ये कितना हो जाएगा प्लस टू एक्स माइनस टेन ठीक है तो ये एक्स प्लस टू हो गया और एक्स माइनस टेन सॉरी सॉरी यहाँ फाइव हो गया ठीक है तो ये आपका भी फाइव हो जाए क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस टू एक्स माइनस फाइव नाउ अगर हम इसको भी जीरो के इक्वल कर दें ठीक है तो क्या हो जाएगा दोनों को एक एक करके जीरो कर इक्वल के ज़ीरो कर देते हैं इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स माइनस फाइव इज इक्ल टू ज़ीरो ठीक है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ठीक है और एक्स इज इक्वल टू फाइव ठीक है तो ये हमारे दो रूट्स आ गए क्या आ गए दो रूट्स आ गए तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया ऐसे ही अब हम धीरे 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 स्पीड बढ़ाकर आगे क्वेश्चंस करेंगे सेकेंड पार्ट में मैं अभी धीरे रखूँगी उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हम अपनी स्पीड बढ़ा देंगे तो अपने साथ पेन कॉपी लेके ही वीडियो को देखना और अगर नहीं समझ आता है तो डाउट पे लिख दोगे लेकिन उससे पहले क्या करोगे उससे पहले मेरी वीडियो को बैक करके भी देखोगे ताकि क्लियरली समझ आ जाए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड पार्ट ठीक है तो आगे शुरू करते हैं हम नाउ वी गोना डू एक्सा एक्साइज फोर पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड पार्ट ठीक है तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है वहाँ पर पार्ट टू लिख दिया है वहाँ पर क्या है वो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स ठीक है ये है तो इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं सभी को पता है यानी कि हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों को इंटू कर देंगे ठीक है तो बाहर वाली टर्म्स दोनों को इंटू कर देंगे और क्या हो जाएगा हमारा टू सिक्स ट्वेल्व ठीक है और ट्वेल्थ का हम क्या कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल देंगे उसकी फैक्टर्स तो ये हो जाएगा टू सिक्स टू थ्री और थ्री वन ठीक है तो ये कितना आ गया टू टू जो फोर और ये थ्री तो फोर और थ्री आ गए आपके यहाँ के फैक्टर्स ठीक है चलो अच्छा भाई फैक्टर्स आ गए हैं अब आगे क्या करना है भाई स्टेप क्या है आगे का आगे का स्टेप भाई बहुत ईजी है आगे का स्टेप है आपका कि भाई आपको क्या करना है आपको है? प्लस माइनस करके ये एक्स लाना है क्या लाना है एक्स लाना है और एक्स क्या है एक्स वन है ठीक है एक्स की वैल्यू क्या है वन है तो इसे कैसे लाएंगे फोर एक्स माइनस थ्री एक्स करके है ना तो बस लिखो भाई लिखो लिखो समझो समझो चलो करते हैं ठीक है तो बाय राइटिंग एंड बाय डूइंग ऑल द क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन पार्ट एंड क्वेश्चन वेरी वेरी इजीली वेरी वेरी इजी ओके तो आगे शुरू करते हैं हम और यहाँ लिख देते हैं इसकी वेल तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स इससे हमारा क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा यानी कि वन आ जाएगा फोर माइनस थ्री ठीक है तो करते लिखते हैं इसी को पूरा उठा के वहीं लिख देते हैं एक्स की जगह ठीक है तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज एकअल्स टू ज़ीरो ठीक है अब आगे लिख लेते हैं हम इसे क्या लिखेंगे आगे हम पेयर में बनाएंगे ना तो भाई फिर ए पेयर में डालते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज एकवल टू ज़ीरो ठीक है इज एकवल टू ज़ीरो करना ज़रूरी है कर लेना ज़रूरी भी है नहीं भी जरूरी है तो ये कर लेना ठीक है फिफ्टी फिफ्टी है भी फिफ्टी फिफ्टी नहीं भी है आगे करते हैं सॉल और इसका कर लेते हैं टू एक्स हो जाएगा ये एक्स प्लस टू हो जाएगा ये माइनस थ्री हो जाएगा एक्स कितना हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा अच्छा ये यहाँ पर मैंने प्लस टू क्यू लिखा कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में चलो एक और रेस कर देते हैं कि भाई जो भी सबसे पहले मुझे बताएगा कि मैंने यहाँ पर एक्स प्लस टू क्यू लिखा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगी ठीक है पर सबसे पहला कमेंट होना चाहिए वीडियो को देखोगे तभी तो आएगा ना पहला कमेंट बस फिर वीडियो को देखो एंड तक हो सकता है और कोई अवार्ड भी मिले आप लोगों को आगे नेक्स्ट में रिवॉर्ड अवार्ड नहीं रिवॉर्ड ठीक है चलो वीडियो हिल रही है ना और अब क्या करेंगे हम लोग अब हम करेंगे लिख देंगे टू एक्स माइनस थ्री ठीक है और एक्स प्लस टू इज टू जीरो अब यहाँ पर आप लोग चेक कैसे करोगे कि आपका जो आंसर आया है वो सही आया है कि नहीं आया है देखो अगर आपके दोनों ब्रैकेट जो आपने अंदर अंदर वाले ब्रैकेट होंगे हमारे ये और ये ब्रैकेट दोनों सेम अगर आ जाते हैं तो आपका आंसर सही होगा लेकिन अगर दोनों डिफरेंट आते हैं तो आपका आंसर क्या होगा पता ही है आगे करते हैं तो ये हमारे आ गए हैं आप क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे अगर हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं ज़ीरो के इफ टू एक्स माइनस थ्री इज टू ज़ीरो और यहाँ पर इफ़ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ठीक है ये कितना हो जाएगा टू एक्स इज इक्ल टू थ्री और एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू ठीक है तो चलो ये भी हमारा निकल गया अच्छी तरीके से और सॉल्व हो गया आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट करते हैं ठीक है लिख लिया मैंने रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस, प्लस फाइव रूट टू इज टू ज़ीरो अब बच्चे कुछ बच्चे क्या होते हैं डर जाते हैं कि भाई आप तो रूट वाला क्वेश्चन आ गए आप कैसे सॉल्व करेंगे तो सुनो ना मेरी बात मेरी मैंने वीडियो बनाई तो आप लोगों के लिए सुनो इसे और क्लियरली समझो कि मैंने क्या लिखवाया क्यों लिखवाया किस लॉजिक से लिखवाया ठीक है किस कॉन्सेप्ट से लिखवाया क्योंकि कॉन्सेप्ट एंड विदाउट कॉन्सेप्ट नथिंग इज देयर इन अवर लाइफ क्लियर तो इस लाइन को हमेशा याद रखना ठीक है कॉन्सेप्ट इज पावर एंड विदाउट पावर वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसको अब क्या करेंगे जो हम करते आ रहे हैं फर्स्ट को और थर्ड को इंटू कर देंगे ठीक है तो इंटू कर देंगे तो ये आपका क्या इंटू करेंगे यहाँ पर हम लोग इंटू करेंगे रूट टू इंटू फाइव रूट टू तो ये कितना हो जाएगा ये तो आपका ये आ जाएगा ना फाइव एक्स क्या करेंगे बाहर वाले को इंटू करेंगे तो देखो टू को टू को से इंटू करेंगे रूट टू से रूट टू इंटू करेंगे तो ये आपका टू ही बच जाएगा ठीक है और इंटू करना है फाइव इंटू करना है तो ये नॉर्मली नौ टेन आ जाएगा ठीक है यही करना था इसको फर्स्ट और थर्ड को इंटू करने में आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं और आगे हम यहीं पर टर्म लिख देंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस हमारी वैल्यू क्या आई है फाइव और टू आइए ठीक है तो इसे कैसे लिख देंगे हम लोग लिख देंगे टू एक्स और क्या कर देंगे प्लस फाइव एक्स ठीक है प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स ठीक है आप माइनस साइन है प्लस प्लस आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स यहाँ और फाइव एक्स यहाँ और ये यह क्या हो जाएगा फाइव रूट टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो आप पेयर बना देंगे पेयर बना लेते हैं एक एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ठीक है फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो ठीक है बना दिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद इसमें से आपका कॉमन क्या निकलेगा इसमें से आपका कॉमन निकलेगा रूट टू ठीक है क्या निकलेगा कॉमन रूट टू और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू ठीक है इंटू करेंगे इसे देखेंगे तो हमारा रूट टू ही कॉमन निकलेगा आगे यहाँ इंटू करेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा यहाँ आपका निकलेगा फाइव ठीक है फाइव कॉमन दोनों में तो फाइव निकल जाएगा और ये प्लस फाइव हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस फाइव रूट टू अब यहाँ फाइव तो हट गया तो फाइव हट जाएगा ये तो ये बस इतना ही छूट जाएगा ठीक है x प्लस रूट टू तो देखो हमारा सेम आ गया ठीक है अच्छा यहाँ पर भी कॉमन था ना तो यहाँ पर बस एक एक्स आएगा और ये एक्स यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट टू एक्स प्लस फाइव ठीक है ये हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस रूट टू ये हो जाएगा आपका ठीक है इस तरीके से आपका सॉल्यूशन बनेगा ठीक है आप क्या करेंगे आप लोग रूट्स निकालेंगे तो रूट्स आपको बताइए कैसे निकालते हैं हम तो अगर हम इसे यहीं पे करके दिखाऊं यहीं पर कर देते हो कि अगर हम जो हमारे वो आए हैं रूट टू एक्स प्लस फाइव लिख लेते हैं रूट टू एक्स प्लस फाइव को किसके इक्वल कर देते हैं जीरो के ब्रैकेट खोल देते हैं रूट टू एक्स प्लस फाइव को इक्वल कर देते हैं जीरो के और दूसरे साइड एक्स प्लस रूट टू को इक्वल कर देते हैं ज़ीरो के तो ये हमारा क्या आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा रूट टू इधर और माइनस फाइव उधर और ये अच्छा एक्स का एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फाइव रूट टू हो जाएगा ये हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी यानी कि एक रूट आ जाएगा दूसरा रूट निकालेंगे एक्स इज़ इक्वल्स टू माइनस रूट टू आ जाएगा तो ये हमारे एक्स की दूसरी वैल्यू आ गई तो फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू दोनों आ चुकी हैं आपके सामने ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे क्या सॉल्व करते हैं आपका फोर्थ पार्ट इजी था ना ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट तो था नहीं क्या करना था बहुत इजी था दोबारा समझाते थे रूट तो था ना ये इट इज़ इजी इफ़ यू विल अंडरस्टैंड इट इजी अगर आप डिफ़िकल्ट समझोगे तो डिफिकल्ट होएगा इजी समझोगे तो इजी होएगा तो दोबारा समझा दीजिए मैंने क्या किया था मैंने किया था रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है फिर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अब मैंने इसको और इसको इंटू किया था बाहर वालों को इंटू कर दिया था तो उसके बाद इंटू करने के बाद क्या आया था रूट टू रूट टू कॉमन हो गया था रूट टू इंटू रूट टू तो किया था? था तो कितना होता है रूट टू इंटू रूट टू आपका रूट टू इंटू रूट टू होता है टू क्या होता है टू होता है ठीक है।, है आगे मैंने फाइव इंटू फेर फाइव बच गया था हमारा फाइव इंटू टू कर दिया तो टेन और टेन को जो तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस साइन था नहीं यहाँ पर तो टू एक्स प्लस फाइव एक्स कर दिया ठीक है हमने आगे सॉल्व करा पेयरिंग बनाई और फटाफट 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 सॉल्व कर लिया ठीक है आगे हमने सॉल्व करा रूट्स निकाले तो रूट्स कितने आ गए इसके एक्स माइनस फाइव अपॉन रूट टू और एक आ गया एक्स इज टू माइनस रूट टू अब हम आगे सॉल्व करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एट इज टू जीरो आप आगे इसे सॉल्व करेंगे ठीक है तो ये भी बहुत इजी है अब देखो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहूँगी देखो इस वाले क्वेश्चन को बहुत लोग डिफ़िकल्ट समझते हैं कुछ बच्चे समझते हैं जिन्हें रूट भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है जो बच्चे ऐसे हैं ना ज़रा मुझे बताना कौन से बच्चे हैं ठीक है थीके? और ये बताना कि वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में चलो बताओगे कैसे कि जिन बच्चों को ये ऐसे डिफ़िकल्ट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताओगे ना चलो अब आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं हम इसको इससे इंटू कर देते हैं यानी कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एट ऑन बो द साइड्स ऑन बो द साइड्स यहाँ भी इंटू करो यहाँ भी इंटू करो एल एच एस में भी इंटू करो आर एच एस में भी इंटू करो ठीक है तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टू इंटू एट सिक्सटीन एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस एट एक्स ठीक है प्लस वन ठीक है और इज इक्वल टू जीरो इंटू एट जीरो तो यहाँ पर जीरो ठीक है तो चलो हमने इंटू भी कर लिया अब हम आगे करेंगे और आगे सॉल्व किससे करेंगे देखो यहाँ पर हमारे पास सिक्सटीन एक्स स्क्वायर दे रखा है वन दे रखा है यानी कि सिक्सटीन का फैक्टराइजेशन करना है हमें सिक्सटीन का फैक्टराइजेशन करते हैं और क्या हो जाएगा सिक्सटीन का फैक्टराइजेशन तो टू इंटू एट टू और फोर टू और टू टू और वन ठीक है तो टू टू फोर और टू टू फोर तो फोर प्लस फोर फोर प्लस फोर कितना होता है एट होता है फोर इंटू फोर कितना होता है सिक्सटीन होता है ठीक है अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम लोग माइनस फोर कर देंगे और प्लस फोर कर देंगे एक्स एक्स तो कितना आ जाएगा एट एक्स आ जाएगा ना ठीक है तो सॉल्व करते हैं ठीक है इसी को उठा के वहाँ लिख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं ठीक है चलो करते हैं तो हम लिख लेते हैं सिक्सटीन एक्स स्क्र यहाँ दे रखी थी वैल्यू हमारी माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो पेयर बनाएंगे सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स अब देखो मेरे हाथ रुकेंगे निजल दे 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 रहेंगे और हमारा फटाफट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा फोर एक्स माइनस वन ठीक है और तो ये और कितना हो जाएगा हमारा सेम वन बाहर आ जाएगा माइनस वन हो जाएगा ये ठीक है और कितना बच जाएगा हमारा माइनस फोर सॉरी फोर एक्स माइनस वन इज इक्व टू ज़ीरो फोर एक्स माइनस वन ठीक है और फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और अगर दोनों को इक्वल कर देंगे जीरो के तो कितना आ जाएगा हमारा इफ फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इफ़ फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू फोर हो जा, वन फोर आ जाएगा ठीक है यहां पर भी हमारा x इज इक्वल टू वन अपन फोर आ जाएगा ठीक है तो हमारी दोनों वैल्यूज आ गई देखो तो इस तरीके से हमारा हाथ रुकान क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ जाए ये होता है मेन ट्रिकी जब हम ये निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमारा ये सही आ जाए ना बस फिर तो क्वेश्चन यूं हो जाएगा ठीक है यूं एक बार टाइम लगा और एक छुटकी में काम खत्म एक चुटकी में काम ख़त्म एक मिनट भी लगानी करने में इसे ठीक है एक मिनट से कम लगेगा अगर आपको ये आ गया तो ठीक है तो अभी मैंने आपको लोग धीरे धीरे समझाने के लिए इतना धीरे धीरे करा था लेकिन अब मैं फिफ्थ वाला फास्ट करूँगी ठीक है तो शुरू करते हैं फिफ्थ वाला पार्ट तो अब मैं यहाँ पर समझाऊंगी नहीं अब आपको आता ही होगा तो अब आप लोग क्या करोगे अब आप लोग खुद करोगे ठीक है तो हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस टेन प्लस टेन प्लस वन ठीक है अब यहाँ पे मैंने नैफ कर दिया क्योंकि मुझे हंड्रेड का पता ही है तो टेन है प्लस टेन अगर आप लोगों को करना है फिर भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा टेन और टेन और वन ठीक है तो टेन हंड्रेड आ गया तो ये मैंने प्लस माइनस टेन आ गया और ये प्लस टेन आ गया हमारे पास एक्स एक्स और प्लस भी करेंगे तो ट्वेंटी ट्वेंटी आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर हम लोग कर देंगे हंड्रेड एक्स स्क्र माइनस टेन एक्स ठीक है और ये हो जाएगा हमारा प्लस टेन एक्स प्लस वन ठीक है तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर हमारा प्लस रहेगा ठीक है माइनस प्लस ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यह हमारा टेन एक्स आ जाएगा टेन एक्स माइनस वन हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा अब यहाँ माइनस वन कैसे आएगा देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको ट्वेंटी तो यहाँ पर यह प्लस ही रहेगा ठीक है और ये कितना आ जाएगा टेन एक्स हाँ तो हमने कर लिया ये ठीक है क्लियर होगी मेरी वीडियो आगे बढ़ते हैं टेन एक्स प्लस वन टेन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस वन ठीक है यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे की एक पिटी क्यों करी बीच में मैंने काटेपिटी इसलिए करी है क्योंकि देखो यहाँ पर हमें अगर ट्वेंटी लाना है तो माइनस टेन माइनस टेन प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो वो हमारा आ जाएगा ट्वेंटी तो माइनस टेन एक्स माइनस टेन एक्स तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो इसलिए मैंने करा उसे तो यहाँ पे चेंज कर दिया है मैंने आप लोग भी ऐसी गलती मत करना ठीक है तो ध्यान रखना मैंने तो यहाँ पे इसलिए करता अगर कर मैं लाइव होती तो मैं आपसे पूछती कि मैंने ऐसा क्यों किया पर अभी मैं लाइव नहीं हूँ आप लोगों के लिए तो जल्द ही आऊँगी लेकिन अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन लाइक करो वीडियो को सारी वीडियोस को देखो अच्छी तरीके से समझो क्योंकि मैं इसके अंदर सारा सिलेबस करवाने वाली हूँ और मैं रोजिना एक एक वीडियो तो लाऊंगी लाऊंगी आप लोगों के लिए ठीक है सो डोंट फॉरगेट टू सी माई ऑल वीडियोज़ सो फॉर डैट ओनली यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन अब आगे बढ़ते हैं और आगे किससे करेंगे हम हमारा क्वेश्चन नंबर टू करेंगे हम सॉल्व और क्या दे रखा है सॉल्व द problems given in example वन अच्छा तो example वन में जो आपको हमने solve करा था example वन चलते example वन के साथ आ गए हम लोग jump करके it is happening तो यहाँ हमारी ये आ गया हमारा पेज नंबर पेज नंबर घूम हो गया पेज नंबर घूम ही हो गया अरे वोरा 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 पेज नंबर सेवेंटी वन पे हम लोग आ चुके हैं और अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल वन में जो हमने क्वेश्चन बनाई थी ठीक है तो क्वेश्चन को समझना हो तो मैंने वीडियो बना रखी है और क्वेश्चन आप अपने बुक में भी समझ सकते हो जो बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है तो ये रिक्वेशन इसे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें सॉल्व करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन नहीं थी और हमें सॉल्व करना है अब ठीक है तो सॉल्व करते हैं और क्या दे रखा है फर्स्ट हमें दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी फाइव एक्स प्लस थ्री ट्वेंटी फोर अब यहाँ पे वन है तो थ्री इंटू फोर थ्री ट्वेंटी फोर कितना बड़ा नंबर जाए घबराना मत टेबल्स आने चाहिए ठीक है बहुत अच्छी तरीके से आते हैं फैक्ट्राइजेशन सब कुछ आता है फटाफट फटाफट सॉल्व कर देते हैं टू ए वन सिक्सटी टू और ये हो जाएगा नाइन्टी एट्टी वन और ये हो जाएगा थ्री और ये थ्री थ्री ट्वेंटी सेवन ठीक है थ्री और नाइन और ये थ्री और थ्री थ्री वन ठीक है तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया क्या फैक्टर आ गए अब हमारे पास अब हमारे पास फैक्टर आएंगे टू टू ज़ा फोर फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री थर्टी सिक्स यहाँ पर स्टॉप कर दिया थ्री थ्री नाइन अच्छा थर्टी सिक्स इंटू नाइन कितना होता है थर्टी सिक्स इंटू नाइन थ्री ट्वेंटी फोर और थर्टी सिक्स प्लस नाइन कितना होता है फोर्टी फाइव अरे भाई आ गया आंसर अब इसे आगे सॉल्व करते फर्दर इसे हम तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहां पे क्या आएगा यहाँ पर आएगा माइनस थर्टी सिक्स एक्स माइनस नाइन एक्स ठीक है तो बड़े नंबर के साथ माइनस तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस फोर्टी फाइव माइनस थर्टी एक्स ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास आ गई वैल्यू और हम इसको उठाकर सीधे यहाँ लिख देंगे और फोर्टी फाइव को फेंक देंगे उठाकर ठीक है क्योंकि इसको लिखे इसको लिखे दोनों एक की बात होती है तो इसको लिख दिया हमने और उसको उठाकर फेंक दिया ठीक है थर्टी सिक्स एक्स आ गया माइनस थर्टी सिक्स एक्स और माइनस नाइन एक्स ठीक है आगे सॉल्व कर लेते हैं प्लस थ्री ट्वेंटी फोर तो अब इसे ब्रैकेट में ले, ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स और माइनस नाइन एक्स प्लस थ्री ट्वेंटी फोर ठीक है ये कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा एक्स माइनस थर्टी सिक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस नाइन हो जाएगा एक्स प्लस थर्टी नाइन हो जाएगा यहाँ पर साइन चेंज होएगा माइनस थर्टी नाइन आ जाएगा ठीक है तो हमने सॉल्व कर लिया इसे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस नाइन और एक्स माइनस थर्टी सिक्स अगर हम इस दोनों को इक्वल कर देंगे ज़ीरो के तो ये कितना आ जाएगा हमारा एक्स माइनस नाइन इफ़ एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ x minus thirty six is इक्वल to zero x इज इक्वल्स टू नाइन एक्स इज इक्वल्स टू थर्टी सिक्स यानी कि हमारे पास दोनों x की वैल्यू आ गई यानी कि हमारे पास दोनों रूट्स आ गए चलो ये क्वेश्चन भी पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सेकेंड निकालते हैं सेकेंड क्या था हमारा आ, ये था हमारा एक्स स्क्वास स्क्वा माइनस फिफ्टी फाइव एक्स प्लस सेवन फिफ्टी इज़ इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब ज़्यादा घबराओ मैं सत्तर साढ़े सात सौ का भी हम क्या निकाल देंगे साढ़े सात सौ का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल देंगे सारे फैक्टर्स और हमारे रूट्स भी निकाल लेंगे तो डरा मत करा करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल लिया करो सेवन फिफ्टी कितना बड़ा नंबर आ जाए प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो बस निकल जाएगा टू और ये थ्री और ये सेवन और ये फाइव और ये फाइव से जाएगा ये हो जाएगा सेवन और ये हो जाएगा आपका टू और फिर फाइव और ये फाइव और ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव और सॉरी सॉरी ये हो जाएगा फिफ्टीन और ये हो जाएगा थ्री ओके यहाँ ध्यान नहीं दिया था अच्छा चलो कोई बात नहीं आगे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हुए अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने गड़बड़ी कर करी देखो एक और चीज़ प्लान फैक्टराइजेशन जब भी करो तो ध्यान रखना सबसे पहले छोटे छोटे नंबर्स को देख लो कि वो इससे डिविजिबल है क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर मैं तो कर लूँगी लेकिन कुछ बच्चों के लिए हो सकती है तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम इसे दोबारा ठीक है यहाँ पर मैं निकाल लूँगी लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं निकाल सकते हो आप दूसरी वीडियो पर चल जाओगे तो मुझे ऐसा करना नहीं है तो इसलिए मैं आपको अपने चैनल पर ही समझा दूँगी इसको दोबारा ठीक है तो कैसे करते हैं देखो टू और थ्री सेवेंटी फाइव हो जाएगा ये और ये हो जाएगा थ्री से वन और टू और ये फाइव ठीक है तो ये ये हो जाएगा फ़ाइव से ट्वेंटी फाइव और फाइव फिर फाइव और फिर फाइव और ये फिर फाइव और ये फिर वन सॉरी ठीक है तो इतना हमारे फैक्टर आ जाएंगे तो कितने फैक्टर आए हमारे हमारे फैक्टर आ गए इसके टू फाइव ज़ा टेन और टेन फाइव जा टू थ्री ज़ा सिक्स और सिक्स फाइव जा थर्टी इसका और इसका इतना छोड़ दिया और ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव ठीक है अगर आप हम देखें हम कि थर्टी प्लस ट्वेंटी फ़ाइव भाई थर्टी प्लस ट्वेंटी फ़ाइव तो फिफ्टी फाइव होता है हमारा ठीक है तो कितना कर देंगे हम यहाँ पर हम यहाँ पर कर देंगे माइनस थर्टी एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव ठीक है तो कर लेते हैं फटाफट से सॉल्व हम एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स माइनस फिफ ट्वेंटी फाइव एक्स ट्वेंटी फाइव ना हाँ ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस सेवन फाइव जीरो टू ज़ीरो ठीक है पेयर बना हैं पेयर कैसे बनाते हैं सभी को पता ही है तो अब मैं स्पीड बढ़ा लेती हूँ मैं कुछ भूलूंगी नहीं आप और फटाफट सॉल्व करके दिखा दूंगी यहाँ पर ये एक मिनट एक मिनट x माइनस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ये और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस थर्टी अब यहाँ पे ठीक है इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर हम इसके इक्वल ज़ीरो कर दें तो ब्रैकेट में हमारा दोबारा क्या आ जाएगा क्लाउड बनाएंगे एक्स इज़ इक्ल टू ट्वेंटी फाइव यहाँ पर भी क्लाउड दोबारा बना लेते हैं और एक्स इज टू थर्टी ठीक है तो हमने इसको सॉल्व कर लिया क्लियरली और मेरी वीडियो भी आप लोगों को क्लियर थी सॉल्व कर लिया आगे बढ़ते हैं फिर देर किस बात की तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे अब हम अच्छा भाई हम लोग हाई स्पीड से चल रहे हैं चलो भाई कंप्लीट हो ही जाएगा वीडियो बने रहना मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आइकन बटन को दोबारा दबा देना ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड टू नंबर्स विच सम्वेंटी सेवन एंड प्रोडक्ट इज वन एटी टू ठीक है तो अब क्या करना अगर हम एक नंबर को x मान लेता अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं कि भाई अगर x ले लिया एक नंबर तो दूसरा नंबर क्या लें है ना तो देखो आप दूसरा नंबर क्या लेंगे हम तो यहाँ पे देखो अगर आपने एक अगर ये बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई x प्लस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क जो हमें पता नहीं सेकेंड डिजिट क्या है हमने फर्स्ट टू मान लिया ले, लेट कर लिया तो सेकेंड हमारी क्या होगी ठीक है तो एक्स प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन और x इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू वन एटी टू तो क्या करेंगे हम इसी को सबसे पहले सम दे रखा है ना तो सम वाले को देखेंगे तो भाई अगर सम निकालना है तो इसको क्या करेंगे हम ट्वेंटी सेवन दे है तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क को यहीं छोड़ देंगे और इस एक्स को उठाकर ना इस एक्स को उठाकर हम यहाँ ले जाएंगे तो ट्वेंटी सेवन माइनस एक्स हो जाएगा तो यही होगा ना सेकेंड वाला फिर तो मिल गई भाई मिल गई लिखते हैं अब ठीक है सो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी ट्वेंटी सेवन माइनस एक्स ये समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा इसका तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं ठीक है आगे सॉल्व कैसे करेंगे आप देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू एक्स लिख देंगे और ट्वेंटी सेवन माइनस एक्स कर देंगे इज इक्वल्स टू वन एटी टू अब देखो सम का देख लिया ना हमने अब प्रोडक्ट वाले के साथ भी तो कुछ करना पड़ेगा तो इसलिए हमने कर दिया ठीक है तो इस तरीके से लिख दिया अब क्या आ जाएगा ये हमारा ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस एक्स स्क्र इज ईक्स टू वन एटी टू तो ये ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वन एटी टू हो इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा अब यहाँ एक और चीज़ देखो कि ये हमें इसे सॉल्व करना है अभी तो हम लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर इसे ठीक है तो इसे सिंपल करने के स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर हमारा माइनस एक्स स्क्वायर जो माइनस तो ये आ जाएगा माइनस प्लस ट्वेंटी सेवन इधर एक्स इधर आ जाएगा और माइनस एटी टू इधर आ जाएगा तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस वन एटी टू इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब यहाँ पर देखो अभी भी हमें सिंपल करना पड़ेगा क्योंकि क्या क्यों करना पड़ेगा देखो यहाँ पर हमारा माइनस है तो हम इसे पूरे के साथ माइनस से कर देंगे या तो पूरे के साथ माइनस से कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्व होकर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स और ये तो कितना हो जाएगा प्लस वन एटी टू माइनस के साथ इंटू कर देना तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हो गया सॉल्व अब हमारे लिएजी हो गया आप क्या करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ठीक है आप निकालते हैं नेक्स्ट पेज पर इसी को लिखते हैं एक्स स्क्र ध्यान रखो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक सेवन एक्स प्लस वन एटी टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स प्लस वन एटी टू इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं ये कितना हो जाएगा आपका इसे सॉल्व करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे वन एटी टू टू और ये हो जाएगा सिक्सटी सॉरी सॉरी नाइन्टी वन ठीक है और ये आपका हो जाएगा सेवन से सेवन और थर्टीन और थर्टीन वन ठीक है आगे बढ़ते हैं और आगे कैसे करेंगे सॉल्व इसे देखो टू सेवन सा फोर्टीन और थर्टीन तो फोर्टीन एक्स ठीक है और माइनस थर्टीन एक्स तो ये तो वन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग माइनस थर्टीन एक्स और प्लस फोर्टीन एक्स कर दे तब आ जाएगा हमारा आ जाएगा ज़रूर आ जाएगा ठीक है लेकिन तब भी नहीं आएगा तो इसे क्या करना पड़ेगा अब हमें अब हमें इस ए लिखना पड़ेगा इस तरीके से माइनस फोर्टीन एक्स प्लस थर्टीन एक्स ठीक है तो प्लस थर्ट माइनस फोर्टीन एक्स और माइनस थर्टीन एक्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स लिख लेते हैं यहाँ पर उठाकर इसको तो माइनस फोर्टीन एक्स माइनस थर्टीन एक्स प्लस वन एटी टू इज टू ज़ीरो पेयरिंग कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स माइनस थर्टीन एक्स प्लस वन एटी टू इज टू ज़ीरो ब्रैकेट बना देते हैं आगे सॉल्व कर देते हैं ये हो जाएगा एक्स माइनस फोर्टीन और ये कितना हो जाएगा माइनस थर्टीन एक्स माइनस थर्टीन इज इक्वल्स टू ज़ीरो इधर फोर्टीन आएगा ठीक है दोनों ब्रैकेट सेम हो गए मतलब हमारा सही है बिल्कुल आंसर एक्स माइनस थर्टीन आ गया हमारा और ये कितना आ गया एक्स माइनस फोर्टीन आ गया हमारा इज इक्वल टू जीरो अगर हम इफ एक्स माइनस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो टू थर्टीन एक्स वैल्यू इज थर्टीन एंड इफ आवर एक्स माइनस फोर्टीन इज इक्वल जीरो मीन्स एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन क्लियर सो आई होप माई वीडियो इज़ क्लियर टू यू ऑल एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विच आई एम डूइंग राइट नाउ ठीक है तो आपको पूरा अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आया होगा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं इस पार्ट में इस वीडियो के मैं आपको पूरा करवा दूंगी एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू ठीक है ये वीडियो आज तभी एंड होएगी जब हम करवाएंगे एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू पूरा फोटो का पूरा तो आगे बढ़ते हैं और आगे वाला क्वेश्चन भी और ट्रिकी है पर वो बहुत ईजी है अगर ध्यान से समझो तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अभी फिफ्थ में नहीं पहुँचे भाई मैं कहा सीट जुड़ा के बढ़ गई आगे मैं करती हूँ फाइंड टू कॉन्जिक्यू क्वेश्चन नहीं लिखती मैं ये लिख देती चलो फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर नंबर पॉजिटिव इंटीचर सॉरी पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया मैंने क्वेश्चंस क्वेश्चन क्या कह रहा है

उसका स्क्वायर क्या होगा थ्री सिक्सटी फाइव अब देखो क्या माँ के क्वेश्चन दिए हैं ठीक है तो क्वेश्चन का मतलब समझ आ चुका होगा अब लिख लेते हैं हम सो लेट द फर्स्ट नंबर लेट द वन नंबर और फर्स्ट नंबर बी एक्स ठीक है आगे बढ़ते हैं और देन अदर दूसरा क्या करेंगे हम नंबर कर देंगे हम उसे एक्स प्लस वन ठीक है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा समझा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा जी कोस टू थ्री सिक्सटी फाइव क्योंकि स्क्वायर बोल रहा है ना बस फिर तो ये हमारा पहला नंबर ले लिया और हमने फर्स्ट नंबर से ले लिया ठीक है तो वन मान लिया हम लोगों ने कॉन्जिक्यूटिव क्या आपको पता है वन टू थ्री फोर हमारे क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स होते हैं आगे सॉल्व करते हैं इसे तो ये कितना हो जाएगा हमारा और ये हमारी आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर उससे सॉल्व करेंगे तभी हमारी आएगी नंबर उसे लिख लेंगे तो एक्स ये तो है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ठीक है तो ये हमारी आ गई है तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ठीक है इज एक टू थ्री सिक्सटी फाइव लिख लिया हमने ये अच्छी तरीके से और हमारा पूरा सॉल्व अभी नहीं हुआ है ठीक है तो हमने अभी तक बस इतना ही लिखा है अब हम आगे एक चीज़ तो भूलेगा यहाँ पर इतना कर लिया हमने अब यहाँ पर वन भी तो लिखना है ना अच्छा लिख दिया अच्छा मुझे लगा मैंने लिखा ही नहीं अच्छा अब हमने ये सॉल्व कर लिया ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि हमने आगे क्वेश्चन में क्या करना है ठीक है तो यहाँ पर जब हमने ये सॉल्व करा पूरा तो ये हमारा आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है तो देखो यहाँ पर हमने पूरा लिख लिया है ये यानी कि हमारा जो एक्स स्क्वायर था ये भी लिख लिया हमने और ये जो पूरे हमारा आया ये भी लिख लिया हमने ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और इधर थ्री सिक्सटी फाइव को इधर ले आएंगे थ्री सिक्सटी फाइव हो जाएगा ठीक है इज इक्व टू ज़ीरो तो ये कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री सिक्सटी फोर इज इक्व टू जीरो अब यह करेंगे हम लोग अब हम लोग इसे इंटू करेंगे यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा ऐसे भी कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड्स निकाल कर एक और क्वेश्चन एक और चीज़ करते देखो ये अभी थोड़ा टफ लग रहा है ठीक है इसे सिंपल कर लेंगे कैसे इसे पूरे कोई हम लोग क्या कर देंगे ब्रैकेट में ले लेंगे और टू को बाहर निकाल देंगे क्योंकि टू कॉमन है टू को बाहर निकाल दिया तो टू कॉमन और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन ये एट और ये टू ठीक है तो ये कितना हो गया इज इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पर अब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू इज इजिक्वस टू जीरो ना? तो देखो हमारा जो इधर टू आया है इधर टू को हम इधर ज़ीरो में ले जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे ये तो ज़ीरो पॉइंट टू जीरो हो जाएगा तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी हमारी क्वेश्चन ये आ जाएगी अब इसे बहुत ईजी है हमारे सॉल्व करना तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन एटी टू इज इक्वल टू जीरो था अब हमने जीरो टू को इधर ले गए तो ये डिवाइड हो गया था जीरो तो मैं अब वो वाला स्टेप नहीं लिख रही रहा यहाँ पर ठीक है अब हमें क्या करना है अच्छा अब हमें आगे सॉल्व करना है और अच्छा ये तो यहाँ पर मैंने टू को कॉमन ले लिया था यहाँ पर एक बचेगा ही नहीं देखो यहाँ भी मैंने कॉमन ले लिया था ना तो यहाँ पे टू नहीं बचेगा टू बाहर आ गया ना ठीक है तो ये कितना जाएगा टू यहाँ पर लिख लेते हैं अब हमने दोबारा लिख देते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एटी टू माइनस एटी टू इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब इसे सॉल्व करेंगे अब इसे वन एटी टू को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू नाइनटी वन और ये हमारा दोबारा वही सेम तरीके से आ जाएगा फोटीन और थर्टीन जो हमने निकाला था यानी कि ये हो जाएगा सेवन और ये थर्टीन और ये थर्टीन और वन तो फोर्टीन आ गया और थर्टीन एक्स आ गया फोर्टीन एक्स और थर्टीन एक्स अब क्या करेंगे हम लोग फोटी एक्स माइनस थर्टीन एक्स कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर्टीन एक्स माइनस थर्टीन एक्स माइनस वन एटी टू ठीक है तो ये हमारा इस ब्रैकेट में लेंगे इसको इसके ब्रैकेट में ले लेंगे एक्स आ जाएगा एक्स प्लस फोर्टीन एक्स बच जाएगा ठीक है यहाँ पर बचेगा ही नहीं फोर्टीन और ये माइनस आ जाएगा तो एक्स प्लस वन एटी टू आ जाएगा ठीक है अच्छा थी, यहाँ पर भी फोर्टीन आएगा सॉरी तो एक्स एक्स यहाँ पर हमारा हाँ दोबारा लिख रही थी एक्स एक्स प्लस फोर्टीन ठीक है और ये कितना आ जाएगा माइनस थर्टीन और एक्स प्लस फोर्टीन दोबारा लिख दिए क्लियरली समझ आ जाएगा अब यहाँ पर हमारा एक ब्रैकेट क्या बन गया फोर्टीन बन गया ठीक है और एक ब्रैकेट क्या बन गया एक्स माइनस थर्टीन इज एक टू जीरो अगर हम एक लिखा करके दोनों को जीरो के इक्वल कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो और इफ लिखा ही नहीं इफ एक्स माइनस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू थर्टीन ठीक है x इज टू माइनस फोर्टीन ठीक है तो हमारे इससे क्या आ गया हमारा इससे दो कॉन्जर्वेटिव नंबर आ गए जिनका सम का स्क्वायर थ्री सिक्सटी फाइव होएगा चलो अब ये भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है बिल्कुल अब हम करते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन कहता है द ऑल्टीट्यूड ऑफ और अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट द क्वेश्चन लैंग्वेज इज वेरी इजी समझ आई बात क्या कह गई देखो लिख के बताती हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है भाई द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रा यानी कि राइट एंगल ट्रा इज सेवन सेंटीमीटर ठीक है आगे कहते हैं देन इट्स बेस लेस देन इट्स बेस यानी कि सेवन सेंटीमीटर उसका ऑल्टीट्यूड है जो कि उसके बेस से कम है सेवन सेंटीमीटर क्या है अभी पता नहीं है ठीक है इफ द हाईपॉट इन इज थर्टीन सेंटीमीटर यानी कि ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड क्या है थर्टीन सेंटीमीटर देन फाइंड द अदर टू साइड यानी कि ऑल्टीट्यूड निकालनी है और बेस निकालना है ऑल्टीट्यूड क्या होती है परपेंडिकुलर वाली लाइन तो निकालते हैं ठीक है तो क्या समझे पहले सबसे पहले हम लोग लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा राइट ट्रायंगल इज एक्स सेंटीमीटर एक्स मान लेते हैं बेस को और हाईपोर्ट सॉरी हाई तो हमें पता ही है ऑल्टीट्यूड डेयर फोर ऑल्टेट्यूड कितना हो जाएगा हमारा ऑल्टीट्यूड हो जाएगा भाई एक्स माइनस सेवन क्योंकि लेस है ठीक एक्स माइनस सेवन हो जाएगा आगे क्या दे रखा है हमें गिवन क्या है हमें है 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 हमें कितनी ठीक है थर्टीन सेंटीमीटर।, सेंटीमीटर दे रखी है पाइथागोरस थ्योरम अच्छा अच्छा ये इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी तो देखो न्यू टर्म आ गई अभी तक हमने चैप्टर जितने पढ़े उसमें नहीं थी अब चलो न्यू टर्म्स पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम मैं अभी नहीं बताऊंगी डिटेल में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर जो कि इसके बाद आएगी उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगी कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है ये नाम कहाँ से आया है किसने लिखा है मतलब क्या है पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगी ठीक है तो उस वीडियो को भी देख लेना अभी इसके बाद जो लाऊंगी सारी वीडियोस को देख लेना लाइक कर लेना कमेंट कर लेना सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन बटन को दबा देना दोबारा बोल दिया मैंने ठीक है तो कर लेना प्लीज सपोर्ट चाहिए ना समझा करो सपोर्ट चाहिए तो आपको क्या करना करना पड़ेगा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी बेल आइकन जो वहाँ पे दे रखी होगी चैनल के लिए उसको बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ठीक है चलो दबा दिया आगे करते हैं काम सो so, पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल बना लेते हैं एक ट्राइंगल है हमारा यहाँ पर ठीक है ये क्या है सी है हमारा ये है ए ये बी और ये सी ठीक है तो ये हमारी हाईपोट है जो कि थर्टीन सेंटीमीटर ये है ये हमारा ऑल्टीट्यूड है ए है हमारा और ये कितना है बी है हमारा बीस ठीक है आगे करते हैं और सॉल्व करते हैं इसे तो ये कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर ठीक है तो ए सी स्क्वायर कितना दे रखा है थर्टीन स्क्वायर ठीक है और ए बी कितना दे रखा है हमने लिया है जो कि एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है अब इसको सॉल्व करने पड़ेगा तो इसको सॉल्व कर हैं सबसे पहले तो एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर लेती हूँ ये हो जाएगा एक्सर ये माइंड में कर सकते तो माइंड में कर लेना ठीक है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स यानी फोर्टी नाइन हो जाएगा ठीक तो है और ये माइनस फोर्टीन एक्स प्लस ठीक है तो आ गया मेरे मेरी वैल्यू आ गई है एक्स प्लस फोर्टी नाइन माइनस फोर्टीन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन सिक्सटी नाइन टू ज़ीरो ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएंगे हमारे पास ठीक है ये हो जाएगा माइनस फोर्टीन एक्स और ये हमारा वन सिक्सटी नाइन वन ट्वेंटी हो जाएगा फोर्टी नाइन माइनस वन सिक्सटी नाइन हो जाएगा आपका माइनस वन ट्वेंटी इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है दोबारा मैंने कहा था कि भाई ये भी बहुत बड़ी टाइम रखे टू आ रहा है यहाँ पर तो हम कॉमन ले लेंगे टू को ही कॉमन ले लेंगे सबसे पहले तो टू तो कॉमन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा और टू को उधर भेज देंगे सॉल्व करने के बाद मैंने क्या बोल रही हूँ ये टू है ठीक है टू कॉमन ले लिया हमने तो क्या आएगा ये आ गया टू को हमने इधर भेज दिया जीरो आ गया जीरो पॉइंट टू जीरो आ गया ठीक है अब क्या बच गया यहाँ पर हमारे पास जो जो आया था तो सॉल्व होकर ये आया था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी ये आया था हमारे पास इज एकवल्स टू जीरो ठीक है आगे गया आप इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो सिक्सटी का आप सभी को पता ही है सिक्सटी का क्या होता है सिक्सटी का ये हो जाएगा टू और ये ट्वेल्व वन ट्वेंटी ठीक है सॉरी सॉरी थर्टी ठीक है और ये टू और ये पंद्रह और तीन ये पाँच पाँच और पाँच एक ठीक है तो आप ये कितना आ गया है टू और टू फोर और ये फिफ्टीन ठीक है तो आ, टू और फोर और ये हम्म अच्छा अच्छा तो हमें ऐसे अब क्या करते हैं मडल टर्म जब करते हैं तो हमें ऐसे नंबर चाहिए होते हैं जिसे तोड़कर हमारा बीच वाला नंबर आ जाए और इंटू करने पर क्या आ जाए सिक्सटी आ जाए यानी कि हमारा थर्ड टर्म आ जाए तो अब यहाँ पर हमें इस तरीके से तोड़ेंगे कि हमारा ये आ जाए तो ये सेवन एक्स लाने के लिए तो टू टू सा फोर ट्वेल्व और ट्वेल्व माइनस फाइव अरे सेवन एक्स होता है ना हाँ सेवन एक्स ही तो होता है आ गया हमारे पास ये ये भी आ गया तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो अभी ध्यान रखना एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्सटी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फाइव प्लस फाइव सिक्सटी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्सटी इज इक्व टू जीरो पेयरिंग कर देते हैं पेयरिंग हो गई है पेयरिंग हो गई तो है तो एक्स माइनस ट्वेल्व आ गए और ये फाइव बाहर आ चुका है एक्स माइनस ट्वेल्व हो चुका है इज टू ज़ीरो ठीक है एक्स प्लस फाइव और ये एक्स माइनस ट्वेल्व दोनों ब्रैकेट सेम है हमारा आंसर भी सही है मतलब और अगर, अगर हम एक्स प्लस फाइव को रूट निकालना है तो एक्स फाइव को ज़ीरो कर देंगे एक बार और एक बार अगर हम एक्स माइनस ट्वेल्व इज टू ज़ीरो कर देते हैं तो हमारा एक्स आ जाएगा फाइव और हमारा ये वाला एक्स आ जाएगा हम ट्वेल्व ठीक है तो हमारी दोनों की वैल्यू आ गई दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई हाँ है ठीक है चलो ये भी सॉल्व हो गया तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर यहाँ पे हम लिख देंगे एंड में सेंस साइड्स ऑफ ट्रायंगल कैन नेवर बी नेगेटिव आ देखो यहां पर माइनस फाइव ठीक है नेगेटिव तो हम लोग नेगेटिव को कभी लेते हैं साइड्स हमारी कभी भी नेगेटिव में आते हमेशा पॉजिटिव में आती है हम ये वाली साइड लेंगे इस वाली साइड को नहीं लेंगे ये सही है हमारी लेकिन नेगेटिव साइड कभी नहीं भी भी होती एक ट्रांगल की तो हम क्या लेंगे बेस इज इक्वल्स टू ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू ट्व माइनस सेवन इज इक्वल्स टू फाइव ठीक है और हाइपोटेन्यूज तो कितना दे रखा था आपको कितना था थर्टीन सेंटीमीटर तो इस ट्रायंगल के अंदर इस ट्रैंगल के अंदर जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा था बे इसका ऑल्टीट्यूड कितना हो गया फाइव सेंटीमीटर इसका थर्टीन सेंटीमीटर हो गया दे ही रखा था और ये ट्वेल्व सेंटीमीटर देखो पूरा हमारा सॉल्व हो गया मैंने अच्छे तरीके से बना के दिखा भी दिया दोबारा आपको ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है लास उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे ठीक है तो चलते हैं आगे और सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है और सिक्स तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसे अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे मतलब किसी भी एक दिन देखा उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डेट डे पर्टिकुलर डे पे उन्होंने देखा कि थ्री जो उनकी एक आर्टिकल की कॉस्ट थी वो थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर थी ठीक है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वॉज नाइन्टी फाइन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ठीक है तो उस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ और नंबर ऑफ आर्टिकल्स के प्रोड्यूस जो ईच ईच आर्टिकल जो होता है उसका कॉस्ट निकालो कितने आर्टिकल उस दिन जितना प्रोडक्शन हुआ था उसका कॉस्ट निकालना है और उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बिके थे उनका निकालना है कितने नंबर निकालने है नंबर निकालना है ठीक है लेट कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूज आर्टिकल प्रोड्यूज ऑन दैट डे कितना हो जाएगा एक्स ठीक है और यहां पे कितना आ जाएगा देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी क्वेश्चन बन रही है एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू नाइनटी करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस थ्री एक्स इज इक्ल टू नाइन्टी ठीक है तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और ये माइनस नाइन्टी इज इक्वल टू जीरो अब हम इसे कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा दोबारा वही टू को इधर भेज देंगे सॉल्व करने के बाद यहाँ से तो ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते आज हम इस बया है ना कॉमन तो ले ही नहीं सकते टू को तो क्या करते हैं इनटू कर देते हैं आप कुछ नहीं कर सकते तो कॉमन ज़्यादा बड़ी टर्म नहीं है कॉमन लेते हैं वन एट्टी कर देते हैं इसे क्योंकि वन एटी है टू टू इंटू नाइन्टी वन एटी और ये हो जाएगा टू और नाइन्टी और ये थ्री और थर्टी और थ्री और टेन और टेन और देखो फिर हमने ध्यान से करना चाहिए ना हमें इसको यहाँ से नहीं करते हैं आप लोगों के लिए मुझे दोबारा करना पड़ेगा कर देती हूँ क्या जा रहा है मुझे भी दोबारा देख लेती हूँ कि मेरे सही ये कि नहीं है कहीं मैं आप लोगों को गलती नहीं बता रही है ना तो मैं भी चेक कर लेती हूँ क्या जा रहा है दोबारा वन एटी टू और ये नाइन्टी और टू फोर्टी फाइव अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया था पीछे पंद्रह और ये पंद्रह पाँच और पाँच और पाँच एक चलो आप सही आए हैं तो ये टू टू फोर फोर जो ट्वेल्व ठीक है थ्री फाइव फिफ्टी तो ट्वेल्व एक्स और फिफ्टीन एक्स तो हम प्लस फिफ्टीन एक्स ले लेते हैं और माइनस ट्वेल्व एक्स ले लेते हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा हमारा थ्री माइनस हो जाएगा तो थ्री एक्स और इंटू कर देंगे तो हमारा नाइन्टी माइनस नाइन्टी आ जाएगा लिख देते हैं फिर टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन मीन फिफ्टीन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस नाइन्टी इज इक्व टू ज़ीरो ठीक है तो टू एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स ब्रैकेट में ले लेते हैं ठीक है माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस नाइन्टी इज़ इक्व टू ज़ीरो तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या आएगा कॉमन आएगा हमारा एक्स तो ये टू हो जाएगा और एक्स प्लस फिफ्टीन हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा सॉरी ये टूवेल्व होएगा और ये हो जाएगा एक्स और ये माइनस नाइन्टीन नहीं होएगा माइनस फिफ्टीन होएगा इज एक टू ज़ीरो और एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है एक मिनट एक मिनट टू एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स था यहाँ पर ब्रैकेट में ये था माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस नाइन्टी तो जब हमने सॉल्व करा तो यहाँ तो आ गया टू एक्स प्लस फिफ्टीन और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा सिक्स ठीक है ये हो जाएगा माइनस सिक्स और ये हो जाएगा टू एक्स प्लस फिफ्टीन ठीक है तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा टू एक्स प्लस फिफ्टीन इज एक टू ज़ीरो अब क्या करेंगे हम लोग दोनों के किसके इक्वल कर देंगे ज़ीरो के इक्वल कर देंगे हम लोग ठीक है इफ एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एंड ऑन अदर साइड टू एक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो यहाँ हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन अपॉन टू और यहाँ हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू सिक्स तो नेगेटिव कभी लेते नहीं हैं पॉजिटिव लेते हैं तो हम पॉजिटिव तो लेंगे सिंस द नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा प्रोड्यूज इन अ डे यानी कि एक दिन की बात कर रहे थे ना अभी हम प्रोड्यूज इन अ डे कैन नॉट बी अभी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा ना टीचर को बताना पड़ेगा नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते हैं इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि कभी भी नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव हो ही नहीं सकते ठीक है आगे बढ़ते हैं और एक्स इज कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा हमारा फिर एक्स इजिकोल टू सिक्स हो जाएगा ठीक है आगे कॉस्ट निकालनी थी कॉस्ट रोजिना की कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी ठीक है तो टू एक्स प्लस थ्री थी तो ये कितना हो जाएगा टू इंटू सिक्स प्लस थ्री यानी कि ट्वेल्व प्लस थ्री यानी कि फिफ्टीन तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ईच आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज़ फिफ्टीन रुपीज पंद्रह आ गई उसकी हर आर्टिकल की हर एक आर्टिकल की तो गाइस यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है और मैं आपको बोलना चाहती हूँ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या करोगे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना लेकिन उससे पहले क्या करोगे मेरी वीडियो को दोबारा बैक करके देख लेना अगर तब भी कोई डाउट निकलता है तो क्या करोगे कमेंट सेक्शन में लिख देना ठीक है बोलना मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन बटन को दबा देना और सारी वीडियोस को लाइक कर देना कमेंट कर देना शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो उन्हें चैनल से समझ आ जाए या प्रमोट कर देना और लोगों को कि मेरी वीडियोस देखें और मज़े लें और सारी वीडियोस को अच्छी तरीके से समझ लेना अगर किसी भी वीडियो में डाउट आता है तो कोई भी वीडियो अभी तो जहाँ से मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी और लास्ट यहाँ पर वीडियो जो मैंने अभी ये करी है जो हमारी प्रेजेंट वीडियो है अगर आप किसी भी वीडियोस में मेरी डाउट होता है तो कहाँ लिख दोगे यहाँ लिख देना और मुझे बता देना कि मुझे इस वीडियो, वीडियो में ये यहाँ पे डाउट है उस वीडियो में लिखना इसी वीडियो में लिख देना कि मुझे आपकी उस वाली वीडियो में इस वाले पार्ट में डाउट है तो मैं वहीं पर आपको क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो बनाकर पाइथोग्रेस थ्योरम की जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है समझ आ चुकी होगी मेरी बात ठीक है तो अगर आपको कोई भी चैनल में कोई भी चैप्टर में डाउट नहीं है सॉरी आज के हमारे कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो वीडियो को मैं एंड करती हूँ ठीक है और सारे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि हमने कौन कौन से किए सारे किया हमने क्वेश्चंस कोई भी आज होमवर्क नहीं था कॉन्सेप्ट के साथ समझे हमने क्योंकि बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर एंड विदाउट कॉन्सेप्ट नथिंग इज देयर इन अवर लाइफ इसको कभी मत भूलना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है ठीक है तो बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन सब्सक्राइब माई चैनल हिट द बेल बटन एंड बल्ले बल्ले शावा शावा थैंक यू सो मच